उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन NFTs, मेटावर्स और वेब थ्री के बारे में, बेसिक्स पे। तो हमें जो आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि हाउ टू मिंट एन NFT। तो बताता चलूँ मैं कि खाली मिंट करना, हम आज के लेक्चर में आपको मिंट करना हम सिखाएंगे NFT, लेकिन ये याद रखिएगा कि खाली मिंट करना NFT इज़ नॉट गोना सेल योर NFTs। बहुत रेयर होएगा, 1 out of 1 million चांस होगा शायद कि इस तरह ही बिक जाए, लेकिन आपको एक NFT क्रिएट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो NFT की वर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि एवरीबडी कैन मिंट एन NFT नाउ विद ये OpenSea के साथ। तो आपको ये मेक श्योर करना कि आपका इधर कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि आपको पता है कि आपकी NFT सेल हो जाएगी, या आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग हो, या फिर आप बेसिकली खुद से इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से उसकी कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है कि उसको मार्केट कर सके अपने प्रोडक्ट को, अपने NFT को। तो दीज आर द थ्री वेज कि आपकी NFT कैन सेल। लेकिन आपको जो NFT क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो आज के लेक्चर में बताएंगे, कि पहले तो बताएंगे NFT के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, दो, और फिर उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड को मिंट करना सिखाएंगे जो कि ईजी वे ऑफ मिंटिंग है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जी, दो किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं NFTs में। एक है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, और एक जो इसके कम अगर होंगे ना टोटल नंबर ऑफ NFTs उस कलेक्शन के अंदर, तो वो आपको दूसरा वाला स्टैंडर्ड होगा। चेक करते हैं, तो ये सबसे पहला वाला जो स्टैंडर्ड है वो है, आपको इसमें दिखाते हैं, इस ये जो मेजरली यूज़ होता है वो है, डिटेल्स में जाके, ERC-721। सो ये बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड है टोकन का, जो कि मेजर मेजॉरिटी बड़ी NFT कलेक्शंस के ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ होता है, ERC-721। इस स्टैंडर्ड की खासियत ये है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आप खुद से डेवलप करते हैं, और इसके जो टोकन आईडीज होते हैं आप खुद से साइन करते हैं। लेकिन अगर आपके 10,000 प्रोडक्ट हैं, आप 1 से लेके 10,000 तक आप उसको असाइन कर सकते हैं। और ये वाला स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, रिएक्ट वगैरह की। थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसकी वर्थ भी ज़्यादा है। तो इस पर हम फ्यूचर में आएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए हम आपको जो दिखाएंगे, जो जो OpenSea का स्टैंडर्ड है उस पर हम आपको मिंट करना सिखाएंगे, वो है बेसिकली, लेट्स सी, ERC-721 है, आपको दिखाता हूँ। 8 NFTs यूजली 1155 होती हैं, क्योंकि वो कम कलेक्शन की कम NFTs होती हैं, और वो मतलब के इजीली क्रिएटेबल हैं, और वो उनको इतना अपना स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भी नहीं होता। जैसे सपोजली मैं आपको दिखाता हूँ, ये जॉनी डेप की कलेक्शन, आई एम श्योर इट्स 1155। ERC-721 पे, नॉट बैड। बताता चलूँ कि ये बीपल्स जो है, दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट NFT जो कि $69 मिलियन की बिकी थी, जिसके पास NFT का बाज़ आया था, ये बीपल्स की है वो। और ये दूसरा वाला जो है, आई गेस ये 7 1155 होना चाहिए, ये भी 721 है, वियर्ड। मैं आपको रैंडम के दिखा देता हूँ,
ये स्टैंड, ये 1155 पे क्रिएट हुई है। इनका अपन को बेसिकली दिखाता हूँ, जैसा कि NFTs हैं, अगर आप देखें तो इसकी डिटेल्स पे जाएंगे तो ये देखेंगे आप ERC-1155 स्टैंडर्ड पे क्रिएटेड हैं। ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे, लेकिन इनका टोकन स्टैंडर्ड जो है वो ERC-1155 है, नॉट 721। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो होता है वो इसका स्पेसिफिक इस वाली NFT कलेक्शन के लिए नहीं है, इट इज़ शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद, ये मल्टीपल और मतलब कि NFT कलेक्शन सर शेयर्ड हो रहा है। अगर आप इससे आप देख सकते हैं कि आपका टोकन ID जो है वो कोई एक नॉर्मल नंबर नहीं है, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नंबर है, क्योंकि उस कलेक्शन उस कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वो आपके टोकन्स हैं एंड योर टोकन इज़ वन ऑफ देम। सो ये वाला मिंट करना आसान है, इसको लेज़ी मिंटिंग कहते हैं, ये ओपन सी का स्टैंडर्ड है, लेकिन ये आसान है, लेकिन इसकी वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसकी भी वर्थ है। मतलब कि ये भी NFTs बिकती हैं, जैसे ये बिकी भी है अगर हम देखें तो, ये भी आई गेस इट्स बिन सोल्ड। हाँ जी, ये भी से बिकी हुई है, 0.25 इथेरियम की बिकी हुई है। ये टोकन स्टैंडर्ड भी चलता है, लेकिन प्रायोरिटी वैसे यही है कि लेकिन इस पर प्रोग्रामिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिकली उसको वैसे मतलब कि एक नॉर्मल लेमैन भी इसको मिंट कर सकता है, NFTs क्रिएट कर सकता है NFTs विद दिस स्टैंडर्ड। तो अगर हम जाएँ इस पर तो आपको मेरी सिंपल, आपने ओपन सी पे जाना है, आपने क्रिएट के बटन पे जाना है, और आपने यहाँ पे जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वो आपको Web3 का जो नॉर्मल तरीका है वॉलेट कनेक्ट करने का, मेरे कॉइन बेस का वॉलेट है, मैं उसको कनेक्ट करूँगा। कॉइन बेस मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे ख्याल से, यस ऑलरेडी कनेक्टेड है। मुझे बस एक बार साइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्रिएट करना तो मुझे अपने वॉलेट में जाके साइन करना पड़ेगा। अपने मोबाइल अपने पे पास रखना है जब आप क्रिएट करेंगे NFTs। सो क्रिएट न्यू आइटम से पहले हम लोग क्रिएट न्यू कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हमने कलेक्शन क्रिएट करनी है ना। नहीं, आप इसको टेस्ट कलेक्शन कर लें, और साथ इसको आप कोई भी मैम कोई भी इमेज पर इस पर NFT बनाने की कोशिश करूँगा उससे। रैंडम एक इमेज पकड़ लें, आपने उसका नाम रखा test1, आपकी कोई वेबसाइट है www.abc.com, वो .net कर देते हैं। आपने इसकी डिस्क्रिप्शन रखी रैंडम टेस्ट, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़। ये बड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ है ना बेसिकली, ये बेसिकली इसका मेटा डेटा है, और आपकी जो रेरिटी है किसी भी NFT की वो इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे डिफाइन की जाती है। सो एक ही कलेक्शन की कुछ NFTs ऐसी होंगी जो कि 10-10 बहुत महंगी बिक रही होंगी, और कुछ होंगी बिल्कुल सस्ती बिक रही होंगी। अब उसमें डिफरेंस ये है कि वो जो रेरिटी है वो इन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर सपोजली मैं इसे कलर करता हूँ, कलर रेड, और मैं कॉल कर देता हूँ कलर ग्रीन, सो ये दो कलर्स हो गए, अब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। अब सपोजली एक और NFT होएगी, उसका अगर हमने रेड भी कर लिया और ऑरेंज कर दिया, तो जो ग्रीन वाली होगी वो ऑटोमेटिकली एडिट हो रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ इस वाले में है। मतलब कि आप वो रेरिटी का आपको बेसिकली डिटेल्स बाद में बताएंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टीज़ और जो मेटा डेटा है वो आपने सारा का सारा यहाँ पर ऐड करना है। आपके लेवल्स आप इसमें डाल सकते हैं, लाइक Level 1 to 4, और ये मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे के डिस्प्ले किस तरह से होएगा, और आपके स्टैट्स हो गए, ये भी आप कर सकते हैं, स्पीड उसकी वगैरह एक्सेट्रा जो भी वैल्यूज है। फिर अनलॉकेबल कंटेंट, फिर आप इस पे ऐसा कंटेंट डाल सकते हैं कि जो सिर्फ उस बंदे के लिए अनलॉक होएगा जो उस NFT को ख़रीदेगा। सो यानी कि वंस यू बाय इट, तो आपके पास ये टेक्सचुअल कॉन्टेंट होएगा जो कि आपको मिलेगा जब आप वो NFT बाय करेंगे। तो ये आप ज़रूरी नहीं है, मतलब इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट इट, इफ़ यू डोंट यू कैन नॉट। इसके अलावा सप्लाई जो है, अब सप्लाई आपके उस NFT की कितनी क्या सप्लाई है, अब यूजली तो एक ही होती है NFT की बेसिकली वर्थ, ही वो है कि अगर एक NFT एक तरह की हो, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे एडिडास है, उसने अपनी 10,000 NFTs एक ही तरह की निकाली है, और उन्होंने वही लॉन्च करके 10,000 लोगों को बेची हुई है। सो इट्स अप टू यू, आप इसे एक से लेकर कुछ भी कर सकते हैं सप्लाईज की, लेकिन वो यहाँ पर डिफाइन होगी। उसके अलावा फ्रीज मेटा डेटा तब होता है जब आपका मेटा डेटा जो आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तब होएगा फ्रीज, जब आपकी NFT पहले एक दफ़ा क्रिएट हो जाएगी। सो आपने क्रिएट का बटन दबाना है तो आपको उसी वक्त ही साइन करना पड़ेगा अपने वॉलेट के ऊपर भी, और यहाँ पर कैप्चा पे भी।
मैंने साइन भी कर दिया, मेरे यहाँ पे क्रिएट भी होगी, सो यू क्रिएटेड एनएफटी। अब मैं अगर जाऊँगा आई कैन सी कि मेरी एनएफटी पूरी की पूरी क्रिएट हो चुकी है। आप इसको अपने ट्विटर वगैरह पे शेयर भी कर सकते हैं अगर हम इसको देखें तो। कलेक्शन, सो आप इस कलेक्शन को जो बेसिकली आपने अनटाइटल्ड कलेक्शन बनाई थी शुरू में, आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और वो एक अच्छी बात है कि आप एडिट कर लें उसको प्रॉपर, क्योंकि कलेक्शन मैटर करती है। आपको सबसे पहले जो डिस्प्ले होगी वो कलेक्शन ही होगी, आपने यहाँ पर उसकी कोई भी इमेज लगा देनी है, मैं सपोजली कोई इमेज लगा देता हूँ। आपकी फीचर्ड इमेज होगी जो कि फीचर होगी हर जगह पे, आप अगर सर्च करो तो टॉप पर आएगी। फिर आपकी बैनर इमेज होगी जो कि आपके एनएफटी कलेक्शन के टॉप पर आएगी, आप इसका नेम कर दीजिए टेस्ट कलेक्शन। उसका जो लिंक है वो ये होगा डिस्क्रिप्शन। अब उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी हो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। फिर कैटेगरी कौन सी में आती है, मैं इसको कहता हूँ आर्ट में आती है। फिर आपने अपना ट्विटर कनेक्ट करना है जो कि एक बहुत मेजर पार्ट है, मैंने आप जैसे बताया है एनएफटी क्रिएट करने का, आपका ट्विटर एक बहुत रिलायबिलिटी देता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो बाकी लिंक्स हैं आप यहाँ पर अपने लिंक्स दे दीजिएगा जो भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। और क्रिएटर अर्निंग्स, बेसिकली व्हाट इज़ क्रिएटर अर्निंग्स। सो यूजुअली जो एनएफटीज होती हैं, एनएफटी के क्रिएटर्स डू नॉट अर्न फ्रॉम द मिंटिंग ऑफ द एनएफटी, मिंट से नहीं कमाते, लेकिन उनको लाइक अगर एक ईद की मिंट हुई और कल को वो 10 ईद की और खरीदता है, तो जो क्रिएटर फीस है अगर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं वो परसेंटेज आपके अकाउंट में, लाइक अगर आप यहाँ पे 10% कर देंगे तो वो जब भी एनएफटी बिकेगी जब भी, तो आपको उसका 10% आपके इस वॉलेट एड्रेस में आ जाएगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप देख के कीजिएगा। उसके अलावा फिर आपने ईथ पे करना है और उसके टोकन, मतलब आपने ईथ पे, हम लोग तो यूजली ईथ पे ही करेंगे। और ये डिस्प्ले किस तरह होगी, कलेक्शन आपने करके आपने सबमिट चेंजेस कर देने हैं। चीज क्यों लग नहीं जा रहे हैं, ये अपने यहाँ से इथेरियम सेलेक्ट किया, इथेरियम है मेरे पास, पेमेंट टोकन्स भी और एट्रीब्यूट बेस्ड कलेक्शन कोलैबोरेटर्स, अगर आपने कोलैबोरेटर ऐड करना है यहाँ से कोलैबोरेटर ऐड कर दीजिए आप। और इसका क्या चीज़ नहीं रह गई है, समथिंग इज मिसिंग, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा, आगे जा रहा। बैनर इमेज, फीचर इमेज, लोगो इमेज आ गई, टेस्ट नेम आ गया, सब मैं चेंज कर दिया। अब आप मेरे ख्याल से कलेक्शन का ऑलरेडी नाम सेव हो गया होना चाहिए, नहीं हुआ, आप नहीं कर दिया, आपका लिंक आ गया, आपने सबमिट जब करेंगे तो आपको दोबारा साइन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से एक दफ़ा वॉलेट के ऊपर, और आपके चेंजेस सबमिट हो गए होंगे, अपडेटेड। सो यस, सो आपके कलेक्शन का नाम अपडेट हो गया। अब आप अगर आप जाएंगे उस पर थैन कलेक्शन, तो उसके 2 आइटम्स आ गए आपके, एक मैंने पहले ऐड किया था और एक अभी ऐड किया रैंडम एनएफटी। सो हमने अगर अभी तक इसको सेल पे नहीं लगाया, सो यू व्हाट यू गोना डू इज आप उस एनएफटी पे क्लिक करेंगे जो आपकी क्रिएट होगी एनएफटी, लेकिन अभी तक ये सेल पे नहीं है। तो जब आप सेल का बटन दबाएंगे यहाँ पे जाके, तो आप लाइक प्राइस दे दें, 1 इथेरियम दे दें इसकी प्राइस, जो भी आपको प्राइस लगती है आप इसका टाइम सेट कीजिए। फीस हो गया कंप्लीट लिस्टिंग, आपको इस वक्त फिर अपने वॉलेट में एक दफ़ा कंफर्म करना पड़ेगा,
और आप अगर पहली दफ़ा मेंट कर रहे हैं तो आपको उसका यू विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू मतलब के कितना कौन, हाँ जी, आप यू विल पे नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट आपको गैस फीस की तौर पे पे करनी पड़ेगी, और वो उसके बाद आपकी NFT मिंट हो जाएगी और सेल भी हो जाएगी। मैं चूँकि पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैंने पहले भी मिंट किया है इस पर, तो इसकी वजह से मुझे वो गैस भी पे नहीं करनी पड़ी। सो अगर हम देखें तो मेरी अब सेल पे सेलेबल भी हो गई है। अगर मैं इस लिस्टिंग पे जाऊँ तो देखिए एक इथेरियम की प्राइस पे ये NFT इस वक्त ओपन सी पे अवेलेबल है। टेन अप कलेक्शन डेमो इसका वो इसका नाम है, Test 1 इसकी NFT का नाम है, ओन्ड बाई मी। 2 व्यूज़ हैं, आप इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने रैंडम टेस्ट रखा हुआ है। अब इसकी देखें प्रॉपर्टीज़, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रीन और रेड है। सो दिस इज़ हाउ आपकी जो मेटा डेटा है वो इस तरह डिस्प्ले होता है NFT का। अगर एक्टिविटी देखें तो ये अभी भी मिंट हुई है 21 मिनट्स अगो, और फिर 35 सेकेंड्स अगो इसको हमने सेल पे लगा दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू सिंपली मिंट NFTs। आप 1155 टोकन स्टैंडर्ड पे इस तरीके से आप जितनी मर्ज़ी NFTs चाहिए वो आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे अब टेन अप कलेक्शन डेमो तो आपकी NFT शुड शो अप मेरे, हाँ जी ये देखें बिल्कुल आपकी NFT इज शोइंग अप ओवर हियर एट नंबर 1। सो आप इसको कोई भी आप आके यहाँ पर इससे बाय कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी लोड भी कर सकते हैं, प्राइस कैंसिल भी कर सकते हैं लिस्टिंग, लेकिन कैंसिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और एडिट भी कर सकते हैं जब तक कि NFT आपकी पहली दफ़ा बिकती नहीं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मिंट एन NFT। आगे आप इसको जिस तरह मर्जी से मार्केट करें, और दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, कमेंट्स में आप उसको पोस्ट कीजिएगा और हम उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।